नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनामिका पांडे। सबसे पहले बात बागपत से आ रही बड़ी खबर की। बागपत में हाईवे के किनारे बने कबाड़ गोदाम में भीषण आग लग गई। पूरा गोदाम जलकर राख हो गया। हालांकि आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। मामला बागपत शहर कोतवाली क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। ये वहीं सहारनपुर में एक पेपर मिल में आग लग गई। आग बहुत भयानक थी, जिससे चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो गया। फायर ब्रिगेड ने करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सहारनपुर के थाना सदर बाजार में स्थित है पेपर मिल, जहां आग लगी। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सहारनपुर में पेपर मिल में आग लगी है, तो बागपत में कबाड़ के गोदाम में आग लगी है। अलग अलग जगहों पर आग की तस्वीरें सामने आई हैं। गर्मी के मौसम की शुरुआत होते ही भीषण आग की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। ट्रांसफार्मर में आग लगी, कबाड़ के गोदाम में आग लगी। दरअसल कबाड़ के गोदाम में बागपत में आग लगी, तो पेपर मिल में सहारनपुर में आग लगी। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है।